हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस का मॉडल सेट का ये पहला सेट होगा और उसका ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। तो आपको भी हार नहीं मानना है, जिद एक जिद ले आइए अपने अंदर कि क्लास 9 में आपको टॉप करना है। देखिए, आपका जो सपना होना चाहिए वो शिखर पर होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मुझे टॉप करना है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर आप टॉप नहीं करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर आप जरूर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये 2021-22 का मॉडल सेट है। बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर मॉडल सेट है। और क्वेश्चन जो होता है ना मेरे भाई, क्वेश्चन जो होता है वो पेड़ पर से उगता नहीं है, वो बुक का ही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है। ठीक है, तो सभी सवालों को आपको देख कर जाना होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो आने वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो इसके नया मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, सभी को देखना होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे वो जो भी क्वेश्चन हो, वो आपके जैक बोर्ड के द्वारा ही तैयार किया गया है। यानी ये सब सवाल भी आपके जैक बोर्ड के नज़रों में है। ठीक है, और जो सवाल नज़रों में होता है ना, वही एग्ज़ाम में भी छपता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप लोगों का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा और एग्ज़ाम में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन मिलेगा, समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा, एक अंक का एक क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है, यानी कि आपको बताना है। सदिश का मतलब स लगा है, समझ जाइए कि किसमें दिशा नहीं होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, और किसमें अदिश, अदिश अदिश का मतलब होता है किसमें दिशा नहीं होगा, और सदिश का मतलब होगा किसमें दिशा होगा, सॉरी। ठीक है, तो सदिश का मतलब क्या हो जाएगा, किसमें दिशा होगा, और अदिश का मतलब किसमें दिशा नहीं होगा। तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, त्वरण, वेग और दूरी, यहाँ पर जो है सभी में सदिश है। सभी क्या है, सदिश है। इसमें भी दिशा होता है, इसमें भी दिशा, इसमें भी दिशा, इसमें जो है वो दिशा नहीं होता है। यानी दूरी का कोई भी दिशा नहीं होता है, आप जिधर मन तिधर चल कर दूरी तय कर सकते हैं, वो किसी एक निश्चित दिशा में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, आपने कई बार इसको रटा होगा वन लाइनर क्वेश्चन में, वेग में त्वरण की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट्स याद किए होंगे। ठीक है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको चाल और वेग के मात्रक होता है, यानी कि चाल और वेग का मात्रक होता है, कौन सा मात्रक है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और देखिए इसका जो चाल का भी वेग है ना, चाल और वेग का मात्रक, यानी वेग भी वही होगा और चाल का भी वही होगा, दोनों का वही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है, दो क्वेश्चन का क्या है, एक ही आंसर है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ मेरा सेकंड चैनल है जिस पर आप लोगों का प्रिपरेशन हो रहा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसको भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप हम ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा होगा, उसके द्वारा आप व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर क्या मापता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूरी को मापता है, किसको मापता है, दूरी को मापता है। अगला सवाल देखिए क्या है, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको बदलना है। देखिए ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दिखने को मिलेगा। अगर आपको कहे 20 मीटर पर सेकेंड, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है कि एक होता है मीटर, एक होता है किलोमीटर। तो देखिए मीटर जो होता है वो छोटा होता है, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब आपको दिमाग में यहाँ लगना है कि यहाँ बोला है मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर पर सेकेंड बोला तो मीटर से हमको किस में जाना है, किलोमीटर में, यानी कि छोटा से किस में जाएंगे, बड़ा में। तो आप 18 ऊपर रखना और 5 नीचे रखना, यानी 18/5 से गुना करना। ठीक है, हर बार यही होगा, 18 और 5 का ही गुना होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, मीटर पर सेकेंड, यानी छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा यूनिट में जाने के दौरान आपको बड़ा वाला यानी 18 ऊपर रखना है, 5 को नीचे रखना है, 5 से इसको काट दो जाएगा, 4 बार में 18 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72। तो 72
किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। आपको जो है एक वीडियो बनाकर इसको समझा देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कार का त्वरण क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कार का त्वरण क्या होगा, चलिए इसको बताते हैं आप लोगों को किस तरह से इसको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए मीटर में है ना, चाल क्या है मीटर में, तो एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी यहाँ मीटर में, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे। तो 18 को मान लीजिए हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर में यानी छोटा यूनिट में जाएंगे तो 5/18 कर देंगे। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक आ गया आंसर। दूसरा क्या है 36, तो 36 को भी हम लोग को 36 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 करेंगे, 18 से कट जाएगा दो बार में, इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को सबसे पहले आप लोग उतार लो, ठीक है, जल्दी से उतार लो इसको वीडियो से रोक करके। अब मान लीजिए ये आप लोगों का उतर गया है, ठीक है, उतरने के बाद आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये देखो फॉर्मूला होता है हमारा वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा फॉर्मूला है। तो भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, भी जो है हमारा, तो भी जो होता है तो वहाँ पे आप रख सकते हैं भी का 10 का स्क्वायर जो आपका निकला था 10 आया था, ए हो गया हमारा, यहाँ पे ए नहीं होता है यू होता है ना, यू स्क्वायर 2AS, एस तो ए तो हमारा यहाँ पे है ही, तो यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 और ए तो हमें निकालना है, एस जो है हमारा वो कितना है 15 मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 15 × 30 A। ठीक है, समझ में आ गया, इतना से जल्दी से आप लोग नोट करो वीडियो रोक कर, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में 25 घटा दोगे और यहाँ पे 30A आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 30A, और हम A अगर निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा आपका 75/30। ठीक है, 75/30 आ जाएगा, तो इसको काट दो, 15 × 75 ऐसे कटाओ, 15 × 75 15 × 30, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, 5/2 का क्या होता है आधा हो जाता है 2.5। ठीक है, चलिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन किसके बराबर होगा ये आपको बताना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, तीन पिंड है ए बी सी के द्रव्यमान 5 kg, 2 kg और 10 kg है, इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। ठीक है, आप देखिए जिसका वेट सबसे कम होगा उसका जड़त्व भी सबसे कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो वेट किसका है, बी वाले का, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा, यानी कोई भी द्रव्यमान है उस पर 1 kg बल लग रहा है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, F बराबर फॉर्मूला होता है MA। ठीक है, F बराबर क्या होता है फॉर्मूला MA, तो हम फोर्स यानी ये बल कितना लग रहा है 1 न्यूटन, M द्रव्यमान कितना है 1 kg, त्वरण A रहने दो, तो A को 1 से गुना करोगे तो A कम A आ जाएगा, A का आंसर 1 आ गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है हमारा त्वरण ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व की परिभाषा देते हैं। ठीक है, जड़त्व, जड़त्व मतलब वो जमा रहना, यानी कि वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तो उसको हम लोग कैसे याद करते हैं, जड़त्व, जड़त्व मतलब जमा रहना, यानी जहाँ टिका है वहीं टिका रहेगा जब तक उसको कोई धक्का नहीं दे देगा करके, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जी का मान क्या होता है, तो जी का मान आपको बताना है ना, तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए मीटर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर भी 98 तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, इसमें होता नहीं है, न्यूटन में होता नहीं है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 60 kg मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो है 60 kg मनुष्य है, मनुष्य का द्रव्यमान दिया, उसका टोटल वेट पहले निकालेंगे हम लोग, क्या द्रव्यमान नहीं हमें वेट निकालना है ना, भार बोल रहा है ना, भार बोल रहा है, तो
सबसे पहले हम लोग देखिए, चंद्रमा पर किसी चीज़ का जो द्रव्यमान होता है उसका टोटल वजन का जो भार जो होता है उसका 1/6 होता है, यानी छठा भाग होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमें क्या है, हमें द्रव्यमान मालूम है, ये जो 60 kg है। तो आप ऐसा मत कर देना कि 60/6 कर देना, 10 आंसर दे देना, ये 10 न्यूटन में मत मार देना, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। हमें क्या है, हमें द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, हमें एक्चुअल में वेट पता नहीं है। ठीक है, तो वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वेट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा mg। क्या होता है, mg। तो वेट क्या, m क्या है हमारा, द्रव्यमान है 60 kg, और g का मान क्या है हमारा, 10 है। देखिए कोई भी चीज़ क्वेश्चन में दिया जाता है ना, तो उसका कोई वैल्यू होता है, ठीक है, उसका यूज़ होता है, तभी तो वो आपको दिया है। तो आप तो इसका यूज़ कर नहीं रहे थे, डायरेक्ट आंसर निकाल रहे थे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 600 kg। तो 600 kg का द्रव्यमान हो गया। अब चंद्रमा पर इसका भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 600 का 1/6 निकालेंगे। तो 6 से कट जाएगा कितना बार में ही, बताइए, 100 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर करना। नेक्स्ट देखो क्या है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, ये पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को यह दर्शाता है। देखिए पदार्थ जो होता है वो अगर उसके कणों के बीच, मान लीजिए कि ये पानी का कण है, अगर इनके बीच रिक्त स्थान है तभी तो कोई चीज़ आकर इसमें घुसेगा, नहीं तो क्यों घुसेगा, ठीक है, घुसेगा ही नहीं, घुसेगा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। आप बालू में चीनी मिला के दिखा दो, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसमें रिक्त स्थान है ही नहीं, तो वही बात हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का एक उदाहरण है, पदार्थ बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक विचार जो मन में आता है, क्या वो पदार्थ है, नहीं है, ठीक है। सी पदार्थ, देखिए पदार्थ होता क्या है ना, पदार्थ ऐसा चीज़ है, बस इसको पहचानने का बस एक ही तरीका है कि समझ लेना कि वो स्थान घेरेगा, जगह घेरेगा, ठीक है। तो आप विचार, आपके मन में विचार आया कि मैं पटना जा रहा हूँ, क्या उसने कोई जगह छेका है, उसको किसी से कोई तकलीफ है, नहीं है। मेरे मन में विचार आया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या उससे कोई किसी को तकलीफ होगा, कोई रास्ता में, किसी के रास्ता में मेरे विचार आकर रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो आपका मन है, आप जो भी सोच लीजिए, ठीक है ना, आप हिमालय पहाड़ पे चढ़ जाइए, उससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका विचार है, आप कुछ भी करो, ठीक है। शीत का मतलब होता है ठंडक। अब आपको ठंड लग रही है, तो आपको ठंड लग रही, तो आपको लग रही, उसको किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या शीत जो है कोई जगह छेक रहा है, नहीं छेक रहा है। स्नेह, हमको किसी पर प्यार आ रहा है, तो क्या उससे किसी को कोई दिक्कत है, जितना प्यार लुटाना है लुटाओ। लेकिन ये शीतल पेय जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है ना, ठंडा जो हम लोग पीते हैं वो पदार्थ है, क्योंकि वो जगह छेकेगा। अभी आपको पिला देंगे 1 लीटर ना, तो आप बोलोगे आप खाना नहीं खाएंगे, पेट भर गया, ठीक है, क्यों भर गया, कि उसने जाके आपके पेट में क्या किया है, जगह छेक लिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो ये हो जाता है आपका विसरण, क्या हो जाएगा, विसरण। अब देखिए यहाँ पे अगला है, किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे घनत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ये किस नियम को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 × 2 कितना हो गया मेरे भाई, 18, और मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यानी पहले जितना था उतने था। अब यहाँ पे ग्राम 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 बात हो रहा है, यानी द्रव्यमान का बात हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण, यानी द्रव्यमान का उसने रक्षा किया, जितना पहले था उतना बाद में बनाया, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, इसका अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, तो स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। तो ये था इसका पार्ट 1, जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम इंस्टाग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए गए नंबर के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।